हेलो एवरी वन वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल इन दिस वीडियो वी विल डिस्कस अवर नेक्स्ट चैप्टर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड लास्ट जो वीडियोज़ थी उसमें हम हमारा इन केमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर था उसको हम कंप्लीट कर चुके हैं अब हम स्टार्ट करने वाले हमारे न्यू चैप्टर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स देखिए कोऑर्डिनेशन कंपाउंड काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है ठीक है अब हम चैप्टर को स्टार्ट करते हैं देखो फर्स्ट जब वैसे हमें पता है कि स्पेशल क्लास ऑफ कंपाउंड्स होता है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स जिसमें आपका पास क्या होता है कि जो सेंट्रल आइटम होती है एक मेटल और लिगेंड के साथ में कोऑर्डिनेशन बॉन्ड के द्वारा टीच होती है ठीक है तो इसके चैप्टर को समझने के लिए पहले आपको कुछ बेसिक्स पता होना चाहिए कि जैसे मेटल क्या होती है लिगेंड क्या होता है चार्ज और मेटल आयन क्या होता है कोऑर्डिनेशन स्पीओ कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है वो ऑल थिंग्स हम डिस्कस करेंगे ठीक है तो आपको स्टार्टिंग में हम बता सकते ये हमें पता है कि जैसे देखो लास्ट फर्स्ट चैप्टर हमने पढ़ा था ट्रांजिशन मेटल्स देखे थे हमने डी ब्लॉक की तो ट्रांजिशन मेटल की तो गोटेंडेंसी होती है हमें पता है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बनाने के लिए वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट होती है उनकी मैं बता सकती हूँ तो फर्स्ट देखिए कुछ कॉम्प्लेक्स दे रखे हैं यहाँ पे जैसे आप देख सकते हो जैसे निकल क्लोराइड में सिक्स अमोनिया डाल देता है नाइनस थ्री सिक्स सी एल टू ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की फॉर्मेशन होगी तो ये डिफरेंट टाइप ऑफ कोऑर्डिनेशन कम्पाउंड है अब देखिए क्वेश्चन पूछ लेते हैं कई बार टू मार्क्स में आपसे क्या उसमें क्वेश्चन ये पूछते हैं कि ये पूछ लेते हैं आपसे कि डिफरेंस बताओ एक होता है आपका पास कोऑर्डिनेशन कंपाउंड एक होता है आपका डबल सोल्ट ठीक है तो टू टर्म्स होती हैं तो हमें पता है कि कोऑर्डिनेशन जो कंपाउंड्स होते हैं वो डिफरेंट होते हैं डबल सोल्ट से क्योंकि हमें क्या होता है कि देखो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड तो किससे बनता है ये कंबाइन होता है दो या दो से ज़्यादा स्टेबल मोलिक्यूल कंबाइन होंगे अलग अलग स्पीसीज की और जो अप, उनकी जो स्टेट होगी ना अपनी जो भी प्रॉपर्टी उनको वो रिटेन रखेंगे जैसे सॉलिड में है तो सोलिड में रहेंगे या किसी डिजॉल्स स्टेट में है तो उसी में तो आप कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स को बोल सकते हो कि ये दो या दो से ज़्यादा स्टेबल मोलिक्यूल और डिफरेंट स्पीसीज के हो सकते हैं और अपनी आइडेंटिटी को रिटेन कर रहता है लेकिन जो डबल सोल्ट होता है ना उसमें वो एडिशन या कोई भी मोलिकुलर कंपाउंड से बनता है जिस जो दो सेचुरेटेड कंपाउंड होते हैं सेम टाइप लाइक ठीक है और ये अपनी आइडेंटिटी को लूज कर देते हैं ठीक है जैसे बट एंड लाइक जो भी आपका कॉर्डिनेशन कंपाउंड दे लूज देर आइडेंटिटी जब उसमें वोटर में डिजोल करते हैं जैसे कुछ कॉमन डबल सोल्ट आपने पढ़े होंगे जैसे मोर है पोटाशलम है मोर शाल्ट जैसे फार्मूला भी पूछ लेते हैं कई बार आपसे एफ फी एस ओ फोर एन एस फोर टू सिक्स एस टू ये पता होना चाहिए आपसे तो टू मार्क्स में पूछ ले आपके डबल सोल्ट क्या होता है और कॉर्डिनेशन कंपाउंड भी डिफरेंस बता सकते हो आप अब देखिए कुछ बेसिक टर्म्स हैं टर्मिनोलॉजी जिनको आपको पता होना चाहिए क्या होती है अब देखिए कॉम्प्लेक्स आइन क्या होता है सिंपल हम कॉम्प्लेक्स आइन क्या होता है कोई भी इलेक्ट्रिक जो भी चार्ज पीसीस है इसमें क्या होगा एक सेंट्रल मेटल लाइन होगा जो किसी सराउंड होगा किसी जो भी ग्रुप हो गए या लीगेंट से जैसे यहाँ पे एन आइन एस थ्री सिक्स टू पॉजिटिव एक्जाम्पल दे रखा है तो इसमें सेंट्रल मेटल कौन हो गया निकल तो मेटल हो गया और जो अमोनिया है वो क्या यहाँ पे लीगेंट है और ये टर्म आपको पता है कि मेटल हमेशा एक्सेप्ट करती है इलेक्ट्रॉन को ठीक है और लीगेंड डोनेट करता है इलेक्ट्रॉन को क्योंकि मेटल के पास तो कमी होती है वो तो इलेक्ट्रॉन को लेगा और लीगेंड हमेशा डोनेट करेगा तो यहाँ पे जो अमोनिया है वो एक लीगेंड की तरफ वर्कआउट कर रहा है और वो किसको डोनेट कर रहा है अपने निकल को वो जो सिक्स लिख रखा है ना यहाँ पर हमेशा पता होना चाहिए आपको कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है कोऑर्डिनेशन नंबर वो होता है मेटल से डायरेक्ट कितने लिगेंड अटैच है वो उसका कोऑर्डिनेशन नंबर होता है ठीक है अब यहाँ पे एग्जांपल देख सकते दे CO, NS3, 6, 3, हो आप जैसे कैटाइनिक कॉम्प्लेक्स का एक्जाम्पल दे रखा सीओ एन एस थ्री सिक्स थ्री पॉजिटिव सी ओ क्या होगी यहाँ पे सेंट्रल मेटल एन एस थ्री क्या है लिगेंड तो मेटल से लिगेंड के बीच जो डायरेक्ट कितने लिगेंड अटैच है वहीं उसका कोऑर्डिनेशन नंबर अब यहाँ पे सिक्स अमोनिया अटैच है मीन यहाँ पे सिक्स कोऑर्डिनेशन नंबर है अब सेकंड वाले में देखो ए जी सी एन टू तो यहाँ पे टू कोऑर्डिनेशन

आपका चार्ज और जो न्यूट्रल हो गए हम इस वहाँ पे नो नेट चार्ज को जीरो चार्ज है न्यूट्रल जैसे एन आई सी ओ फोर है ये एक न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स है तो सिंपल आपको कॉम्प्लेक्स साइन बताना चाहिए कि कैसा होगा टाइनिक अन और न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स अब सेकेंड देखो सेंट्रल मेट लाइन और लीगेंट तो ये हमें पता है कि जो भी सेंट्रल मेटल क्या होगी जो एक्सेप्ट करती है जो भी एक टू जिसमें एक से ज़्यादा न्यूट्रल मॉलिक्यूल जो भी अटैच है सेंट्रल मेटल लाइन, वो वाइज जो भी मॉलिक्यूल अटैच होंगे सेंट्रल जो मेटल है ना अपनी उनसे जो भी अन अटैच होगी उसको हम क्या बोलेंगे लीगेंट जो डोनेट करता है अपनी कुछ इलेक्ट्रॉन पेयर को तो वो हम एग्जाम्पल से, से यहाँ पे देखो Ni एन एस थ्री सिक्स टू पॉजिटिव दे रखा है तो फर्स्ट तो आपको पता चल गया कि निकल तो यहाँ पे क्या है सेंट्रल मेटल हो गया एन एस थ्री क्या यहाँ पे लीगेंट हो गया सिक्स क्या यहाँ पे इसका कोऑर्डिनेशन नंबर हो गया एंड टू पॉजिटिव मेंटाइनिक कॉम्प्लेक्सेस है ठीक है तो ये ऑल थिंग्स सबको पता होनी चाहिए ये कुछ एग्जाम्पल दे रखे हैं देखिए देखो जैसे अमोनिया है तो ये भी पूछ लेते हैं जैसे एन डोनर है मीन्स डोनर डोनेट किस साइड से कर रहा है वहाँ पे डोनेट करने वाला कौन है जैसे एन है तो यहाँ पे डोनेट कहाँ से होंगे इलेक्ट्रॉन पेयर नाइट्रोजन से मीन्स यहाँ पे एन डोनर है जैसे आपका वाटर है उसमें कौन डोनर करता है ऑक्सीजन के लोन पे और जैसे डोनर है जैसे इन है इथाइलिन डाइमिन तो यहाँ पे अमोनिया एन नाइट्रोजन से तो आप देख सकते हो ठीक है अब जो हमारे पास नेक्स्ट टर्म आती है टाइप्स ऑफ लीगेंट अब देखो लीगेंट के डिफरेंट टाइप हो सकती है वो यूनिडेंटेंट हो सकता है बाईडेंटेंट ट्राइडेंटेंट ये एक इम्पोर्टेंट टर्म होती है लीगेंट की टर्म देखो हमने देख लिया कि सिंपल आपका पास मेटल है मेटल से जो भी डायरेक्ट अटैच होता है वो आपका क्या होता है लीगेंट होता है लीगेंट आपका डोनेट करता है इलेक्ट्रॉन पेयर मेटल को ठीक है वो डिफरेंट टाइप का हो सकता है ठीक है देखो उसमें क्या होगा कि जैसे यूनिडेंटेंट बोलते हैं फर्स्ट कैटेगरी आती है यूनि मीन्स वहाँ पे वन ही साइट है डोनेट करने की ठीक है लीगेंट जो कोऑर्डिनेट कर सकता है सेंट्रल मेटल ओनली वन डोनर एटम तो यूनिडेंटेंट मीन्स एक ही डोनेट करने वाला है जैसे आपके फ्लोरिन क्लोरिन प्रोमिन इन सभी में जैसे साइनाइड है तो वहाँ पे नाइट्रोजन डोनेट कर रहा है वो रहे हैंगेटिव है यहाँ पे ऑक्सीजन अमोनिया टू तो ये ओल आर यूनिडेंटेंट इनकी एग्जाम्पल्स देख सकते हो आप फॉर्मूला और डोनर एटम कौन है ठीक है अब नेक्स्ट आता है बाई बाई मीनस होता है मैं टू डेंटिन डोनेट करने वाला तो बाई बाईडेंट क्या हो जाते हैं जहाँ पे दो डोनर आइटम प्रेजेंट हो जैसे ओग्लेट आइए तो यहाँ से टू होगी ना आई जैसे सी डब्बू टू नेगेटिव तो यहाँ पे ये बाई डेंटेंट होगा बाई डेंटेंट जैसे है यहाँ पे भी टू अमीन जैसे इथाइलैंड डायमिन जैसे वन नाइट्रोजन ये वाला ये वाला तो टू कर सकते हैं जैसे डीएमसी डाइमथमेट तो ओल आर बाई डेंटिटलीगेंट जहाँ पे डोनर आटम टू साइड से कर सकते हैं हम डोनेट इलेक्ट्रॉन पेयर को अब नेक्स्ट एक टर्म आती है जैसे ऐसी ट्रम चलती रहती है यूनी बाय ट्राई सोन तो उसको हम बोलते हैं पोलीडेंटेंट जहाँ पे मोर देन दो से ज्यादा डोनर आइटम वो थ्री भी हो सकते हैं फोर भी हो सकते हैं कुछ भी उनको हम क्या बोल देंगे पोलीडेंटेंट जैसे आपके पास एक ईडी नाम सुना होगा आपने इथाइलिन डाइमिन टाइटरा एसिड वो एक पोलीडेंटेंट लिगेंड होता है ठीक है ये एक इंपॉर्टेंट आपको है, टेंट लिगेंट होता है हमें बताएं जिसमें दो दो तो नाइट्रोजन होते हैं डोनेट करने वाले और चार ऑक्सीजन आइटम होती हैं सेंट्रल मेटलाइंस तो ये कुछ एग्जाम्पल्स आपको पता होना चाहिए ये आप देख सकते हो अब देखो इनके कुछ एग्जाम्पल्स दे रखे हैं जैसे यूनिडेंडेंट की कैटेगरी में कौन आ गया ये कि इंपॉर्टेंट काफ़ी है ये क्योंकि कई बार तो आपसे जैसे क्वेश्चन होते हैं सिंपल उसमें एग्जाम्पल्स दे, दे, दे दिए डिफरेंट टाइप तो ये पूछ लेता है आपसे जैसे अमोनिया है कोई यूनिडेंडेंट है या पाइडेंटेंट है या पोली है जैसे आपके पास डिफरेंट टाइप ऑफ एग्जाम्पल्स से पूछ लेते हैं आपको पता होना चाहिए जैसे एब्रीवेशन जब अब हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिग्रेशन लिखते मतलब इनकी कॉन्फिग्रेशन लिखते हैं आयोपैक नेम तब देखो वाटर का तो हम एक्वा एब्रीवेशन यूज़ करते हैं डोनर आइटम हमें पता चल गया ऑक्सीजन है अमोनिया के लिए हम अमीन यूज करते हैं पीरियड के लिए पी वाई ट्रम्प से हम पता चल जाता है कि ये पीरियडिन है नेक्स्ट जो बाईड जैसे हम देख इथेन है ओग्लेट है ग्लाइसिनेट है इनकी स्ट्रक्चर्स देख लेना आप काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये आपको होल थ्रू आउट बी एस सी भी और आगे भी काम आएंगी अब नेक्स्ट दे रखा है कुछ एग्जांपल्स दे रखे हैं ये बाई के फिर ट्राईडेंडेंट के एग्जाम्पल्स दे रखे हैं देन हैंडेंट पेंटा ये ऑल थिंग्स आप देख सकते हो अब नेक्स्ट एक टर्म आती है कोऑर्डिनेशन नंबर जो मैंने पहले से ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दी है कोऑर्डिनेशन नंबर का मीन्स क्या है यहाँ पे कि कितने लीगेंट आपके अटैच हैं सेंट्रल मेटल लाइन से उसको हम कोऑर्डिनेशन नंबर बोल देंगे ठीक दे तो है जैसे एग्जांपल दे रखा है फिर सी टू फोर थ्री नेगेटिव तो यहाँ पे कितने मेटल से लीगेंट टूटे हैं थ्री तो चार्ज के ऊपर सी टू फोर टू नेगेटिव होता है तो वन के लिए थ्री टू टू चार्ज के लिए सिक्स तो कोऑर्डिनेशन नंबर क्या हो गया फिर थ्री पॉजिटिव का सिक्स वैसे कोबाल्ट का देख सकते हो आप अब आता है कोऑर्डिनेशन कॉर्डिनेशन स्पीयर जैसे हम कॉम्प्लेक्स लिखते हैं ना जैसे यही है मान लो आप एजी सी एन टू राइस बाहर ये जो ब्रैकेट होती इसको है इसको हम कोऑर्डिनेशन स्पेयर बोलते हैं जो भी आपका मोलिकुल आइन जो बॉन्डेड होता है ना स्टिकली सेंटल मेटल आइन से उसी को हम कोऑर्डिनेशन स्पीयर बोलेंगे जो ये बार ब्रेकेट है होती है कॉम्प्लेक्स के देन नेक्स्ट टर्म आती है आपके पास चार्ज ऑफ ए कॉम्प्लेक्स आइन तो चार्ज का सिंपल मीन्स कैसे निकालते हो कॉम्प्लेक्स आइन का चार्ज तो वो सम किसका होता है जो भी चार्ज आपका मेटल के ऊपर कितना चार्ज कैरी किया है प्लस में उसमें कितने लीगेंट कॉन्ट्रीब्यूट किए होंगे ठीक है तो आप ये देख सकते हो चार्ज ऑन कॉम्प्लेक्स आइन कैसे कैलकुलेट करते हो आप ऑल थिंग्स अब नेक्स्ट देख सकते हो ये तो देखो कुछ बेसिक टर्मिनोलॉजी आपके कोऑर्डिनेशन स्पीयर है चार्ज ऑन कॉम्प्लेक्स आइन है या मेटल है लीगेंट है ये होल थिंग्स आपको पता होने चाहिए अब जो नेक्स्ट जो वीडियोस लेंगे उसमें आपके थ्योरीज पढ़ेंगे अब जैसे नेक्स्ट वीडियोस में आपका वर्नर थ्योरी आती है अबाउट कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स तो वो उसने कुछ सजेशन्स दी देन ने, नेक्स्ट थ्योरी आ गई उससे भी अब नेक्स्ट आ गई तो आई होप